नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाए हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, बच्चों के स्वेटर में, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे डालेंगे, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें इवन नंबर में कितने भी फंदे चाहिए, यानी जो दो से कटते हों इस संख्या में कोई भी फंदे। ये डिजाइन सामने की ओर से पड़ेगा, तो यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा। अब नेक्स्ट फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप करना है, और ये हमारा थ्रेड हमारी तरफ है और सिलाई पे लपेट के वापस अपनी तरफ लाना है। अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप करना है और थ्रेड हमारी तरफ है, इसे सिलाई पे लपेट के वापस अपनी तरफ लाना है। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप करना है, थ्रेड को सिलाई पे लपेट के वापस अपनी तरफ लाना है, उल्टा, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है, ऊन को सिलाई पे लपेट के वापस अपनी तरफ लाना है, एक फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है और थ्रेड हमारी तरफ ही है, इसे वापस सिलाई पे लपेट के अपनी तरफ ही लाना है। तो इन्हीं दोनों फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। तो हमने एक फंदे को उल्टा बुनते हुए दूसरे फंदे को स्लिप करके और सिलाई पे ऊन लपेट कर वापस अपनी तरफ लाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। डिजाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, ऊन को हम अपनी तरफ ही रखे रहेंगे। अब ये जिसे हमने सिलाई पे चढ़ा के लिया था, ये वो फंदा है, और ये जिसे हमने स्लिप किया था, अब ऐसे नीट वाइज इसमें हम ऐसे डालेंगे। इन दोनों में ये जो ऊपर से लिया गया है थ्रेड है और ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है, इन दोनों को हम ऐसे नीट वाइज सिलाई ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे उतार के और वापस बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे और इन दोनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा जिसे हमने उल्टा बुना था उसे उल्टा बुन लेंगे। इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। फिर से देखिए, ये हमारा चढ़ाया हुआ धागा और ये स्लिप किया हुआ फंदा, इन दोनों में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, बाएं सिलाई से इसे उतारेंगे। अब देखिए, दोनों दाहिनी सिलाई पे आ गया, अब इसे वापस बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे और इन दोनों को अब हम उल्टा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा, फिर से देखिए, दोनों में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, उतारेंगे, फिर वापस बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, अब इसको नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अगला फंदा उल्टा, नीट वाइज ऐसे सिलाई डालेंगे दोनों फंदों में, इसे उतारेंगे, दाहिने सिलाई पे ये आ गया, दोनों फंदे दाहिनी सिलाई पे आ गया, अब इनको वापस बाएं सिलाई पे चढ़ाएंगे। ऐसा करने से ये दोनों फंदे जो हैं वो पलट जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं। अब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। तो हमारे फंदे देखिए, ये एक एक्स्ट्रा फंदा हो गया था, ये एक एक्स्ट्रा फंदा हो गया था,
तो ये वापस 2 का 1 हो जाएगा। इसको ऐसे नीट वाइज डालेंगे, दाहिनी सिलाई पे ले लेंगे और वापस बाएं सिलाई पे चढ़ा देंगे। तो ऐसा करने से ये फंदा जो है वो घूम गया। अब इसको हम वापस उल्टा बुन लेंगे। अब इन दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुन लेंगे, तो ये 2 का 1 हो गया। अगला फंदा, बुना हुआ फंदा उल्टा नीट वाइज ऐसे सिलाई डालेंगे। अब इस दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई पे ले लेंगे और देखिए ये ऐसा करने से ये घूम गया। अब इसको वापस बाएं सिलाई पे ले लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अगला फंदा इसे उल्टा, बस इसको हमको ऐसे घुमा देना है और फिर उल्टा बुन लेना है। अगला फंदा उल्टा, लास्ट फंदा उल्टा। देखिए ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। अब फिर हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट फंदे को हमें बुनना नहीं है, ऐसे स्लिप करना है, उन हमारी तरफ है, वापस चढ़ाकर हमें अपनी तरफ लाना है, अगला फंदा उल्टा। नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, बुनना नहीं है, उन हमारी तरफ है, इसे वापस चढ़ाकर हमें अपनी तरफ ही लाना है, अगले फंदे को उल्टा बुनना है। नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, ऊन हमारी तरफ है, इसे चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाना है, अगला फंदा उल्टा बुनना है। यानी हम तीसरे लाइन में अपने पहले लाइन को ही दोहरा रहे हैं। एक फंदा को स्लिप करना है, ऊन चढ़ाकर वापस लाना है, अगला फंदा उल्टा। नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है, उनको चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाना है, अगला फंदा उल्टा। रॉन्ग साइड से अपने दूसरे लाइन को ही दोहराना है। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे हैं, तो इसमें हम ऐसे नीट वाइज डालेंगे, बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, फिर दाहिने सिलाई को आगे लाएंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा। अब देखिए इन 2 फंदों में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ये चढ़ाया हुआ धागा और ये फंदा स्लिप किया हुआ फंदा, इन दोनों में ऐसे नीट वाइज यानी सामने की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, दाहिनी सिलाई पे ले लेंगे और फिर इसे बाएं सिलाई पे चढ़ाएंगे, दाहिनी सिलाई को अब आगे लाएंगे और इसे उल्टा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा। दोनों फंदों में ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, दाहिनी सिलाई पे चढ़ा लेंगे, फिर बाएं सिलाई पे इसको करेंगे और सिलाई को आगे लाएंगे, उल्टा बुन लेंगे। यानी हमें इन दोनों फंदों को घुमा लेना है। अब देखिए ये फंदे ऐसे हैं, इसमें हम ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, ऐसे नीट वाइज सिलाई डालेंगे, दाहिनी सिलाई पे चढ़ा देंगे और यूं करेंगे तो ये पलट जाएगा। अब इसको बाएं सिलाई पे चढ़ाएंगे, दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनेंगे, अगला फंदा उल्टा।
तो देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन बन के तैयार है। सामने से ये ऐसा लग रहा है, सामने से ये ऐसा दिख रहा है और पीछे से ऐसा, दो फंदे का और दो लाइन का ये खूबसूरत सा डिजाइन है। चाहे इसे आप बॉर्डर में डालेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, या पूरे स्वेटर में डालिए तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत डिजाइन है। तो डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।